यमुना मधुरा बीती मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम रखेलम मधुरम बोलिए वाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब भगवान तो गौचारण के लिए गए हैं और गोपियां अपने घरों पर हैं, लेकिन भगवान के साथ गोपियों का चित्त भी चला गया है। वो घर में तो हैं, लेकिन उनका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है। जैसे आपको किसी से प्रेम हो जाए और आप हैं तो अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, अपने घर में, लेकिन आपका हृदय वहां लगा हुआ है, कार्य में कोई मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका हृदय का बंधन वहां पे हो गया है, प्रेम वहां पे है। तो गोपियों का मन विचलित हो रहा है और संध्या में प्रभु जब वहां से वापस आ रहे हैं गोचारण करके, तो ऐसे सुंदर लग रहे हैं, छोटी छोटी गौओं के बीच में कृष्ण हैं, वैजंती माला धारण की हुई है, एक कान में पुष्प लगा रखा है और सुंदर मेघ वर्ण का उनका शरीर है, पीतांबर धारण किया हुआ है और हाथ में बांसुरी है। और उनकी जो छटा बिखर रही है, संध्या का काल है, गौएं साथ में चल रही हैं और गौओं के खुरों से जो धूली उड़ रही है, गौ धूली, वो भगवान के कपोल और नेत्रों के रोयों पर विराजमान हो गई है। और उधर संध्या का सूर्य जो डूब रहा है, उसकी किरणें यमुना के जल से परावर्तित होके उनके कपोलों पे, जो रोओं पे धूल जम गई है, उससे टकरा रही हैं। और इधर उनके साथ उनके सखा नृत्य करते हुए चल रहे हैं और भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसी सुंदर संध्या काल की भगवान की झांकी। तो किसी ने कहा, हे नंद लला तुम होती लली, तो गले कट जाते करोड़न के।
कि हे कृष्ण, तू अगर कृष्ण न होता, यदि तो तू कृष्ण न होता और कोई गोपी होता और तू इतना ही सुंदर होता, हे कृष्ण लला, हे नंद लला, तुम होती लली तो गले कट जाते करोड़न के। आज गौचारण करके भगवान वहां से आ रहे हैं, तो गोपियां यहां अपने घरों के बाहर द्वार पे खड़ी अपने चित्त को शांत करके उनके आने का इंतजार कर रही है। ऐसा नहीं है कि गोपियों के पास अन्यत्र कोई काम नहीं था, कोई व्यस्तता नहीं थी। लेकिन जैसे आपका प्रेम बंधन बन जाता है या कोई आसक्ति हो जाती है किसी के साथ, आपके प्राण कहीं जुड़ जाएं, जैसे रेलवे स्टेशन पे आपके साथ आपकी पत्नी बच्चे सब लोग हैं और सूटकेस भी रखा है नीचे और आप चाय पी रहे हैं, हाथ में भी कुछ नई चीज है और बिल्कुल आपके हाथ खाली नहीं है, बीवी बच्चे भी साथ में हैं और अनायास ही एक आदमी आपका सूटकेस लेके भाग गया। अब सूटकेस लेके भागा तो फिर आप ये तो कहोगे नहीं कि मैं चाय पी लूं फिर सूटकेस वाले को पकड़ूंगा, या कि पहले मेरे हाथ में जो ये है इसको खा लूं उसके बाद सूटकेस वाले को पकड़ूंगा, या कि मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ हैं इनको छोड़ के मैं कैसे दौड़ लगाऊं, ये सूटकेस लेके भाग रहा है। आप तो जैसे ही वो सूटकेस लेके भागा आप दौड़ के सीधा जाओगे और सबसे पहले सूटकेस छीनोगे, क्योंकि सूटकेस में आपकी महत्वपूर्ण चीज है। तो गोपियां हैं तो अपने घर, लेकिन उनका प्रेम कृष्ण के साथ है, उनका मन उनका हृदय कृष्ण के साथ है। और जैसे ही संध्या में भगवान ने देखा कि गोपियां मेरा स्मरण कर रही हैं, मेरा ध्यान कर रही हैं, तो भगवान ने भी वैसी लीलाएं करना शुरू कर दी। बड़ा सुंदर रेणु वादन किया और सूर्य को भी संकेत कर दिया कि तू ठहर जा, प्रकृति को भी अपने साथ ले लिया कि जो मेरा भक्त मुझे देखना चाहता है उसकी लीला को और समय मिले, वो और देर तक मुझे निहारे,